हेलो एवरीवन, वेलकम टू गर्ल्स पावर। सो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूं मैं कि हाउ टू यूज योर ओल्ड जीन्स इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप। आप अपने पुराने जीन्स जो हो गए उनको फेंकने की बजाय आप कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से। आप उससे एक कुर्ता क्रिएट कर सकते हैं, एक स्कर्ट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप एक उससे जैकेट भी क्रिएट कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उससे किस तरीके से क्रिएटिविटी कर सकते हैं। आप अपने ओल्ड जीन्स में, वैसे भी हमारे घर में से हमारे हस्बैंड के जीन्स होंगे, वे कुछ समय बाद फट जाते हैं या फिर कहीं से उनके कुछ भी हो गया, कहीं फट गया, कहीं कट लग गया, इससे भी खराब हो जाते हैं। हमारे जीन्स हो गए या फिर बच्चों के जीन्स हो गए जो बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। और आजकल ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे कोई भी जीन्स ना डालता हो, सारे लोग जीन्स वेयर करते हैं। घर में कोई ना कोई तो पक्का डालता होगा जीन्स। सो आप फेंकने की बजाय उसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यूज कर सकते हो। आप उसे कुशन कवर बना सकते हो। और आपको समझाने के लिए मैं इसके साथ आपको पिक भी लगा दूंगी, तो आप उसे कुशन कवर बना सकते हो। आप उससे एज ए मैट का काम कर सकते हो, एज ए कर्टन बना सकते हो, आप उससे एज ए स्कर्ट बना सकते हो। आप डिफरेंट डिफरेंट आपको जीन्स लेना है, अगर आपके पास घर में 4 पीसेस जीन्स पड़ी है तो आपको उसे मतलब कि हाफ पर से कट कर लेना है, उसके बाद आपको स्टिच करवाना है स्कर्ट के टाइप से अकॉर्डिंग। आप उसे बैंड लगा के एज ए स्कर्ट यूज कर सकते हो। आप उसे योग कुर्ता बना सकते हो। आपको सिर्फ योग तक का जो हो गया, जहां तक योग का मटेरियल लगेगा, आप वहां पे आपने जीन्स रख लिया, यहां तक कमर की लेंथ तक आपने 2 जीन्स ले लिया, फ्रंट के लिए आपने कोई और कलर ले लिया और बैक के लिए कोई और कलर ले लिया। सो आप इससे उसके बाद नीचे आप कोई भी कपड़ा लगा सकते हो, उसमें एज ए कॉटन, एज ए जॉर्जेट, एज ए नेटेड कपड़ा आप लगा के योग कुर्ता बना सकते हो। उसके बाद आप उसे टॉप बना सकते हो, क्रॉप स्कर्ट बना सकते हो और क्रॉप टॉप बना सकते हो। तो कई सारे डिफरेंट तरीके से आप यूज कर सकते हो अपने जीन्स को। सो आज के इस वीडियो में जो मैं लेके आई हूं, इसे मैंने भी अपने 2 जीन्स यूज किए हैं, वो भी एक अच्छा सा ओवरकोट बनाने के लिए। लाइक आप उसे जैकेट भी बोल सकते हो या फिर एज ए टॉप भी हम उसे यूज कर सकते हैं, आप उसे एज ए टॉप भी बोल सकते हो। सो मैंने इसे बनाया है, तो इसके लिए मैंने 2 जीन्स लिए थे जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं। है ब्लू कलर की कैटेगरी में जीन्स दोनों आते हैं कलर उनका, बट वो डिफरेंट डिफरेंट है। कुछ इस तरीके से है जो मैंने इसे तैयार करवाया है। और जो इसके फ्रंट पे है ये एक दूसरा कलर है जीन्स का, और जो ये बैक है इस पे दूसरा कलर है। आपको डिफरेंट खुद ही देखने को मिले, इधर डार्क है और इधर लाइट है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तभी पता चलेगा। और जो ये पीछे का, इसका जो पीछे का पोर्शन है, इसमें मैंने 2 जीन्स लगवाया है। पार्टीशन ये है, ये एक पैर का हो गया और एक पैर का हो गया, बट इसमें जिसने मैंने बनवाया है, जो टेलर वाले अंकल है उनसे जिसमें सिलवाया था, तो उन्होंने पार्टीशन के अकॉर्डिंग इसमें कलियां डाल दी है जिससे कि पता चले इसमें कलियां हैं। सो कुछ इस तरीके से। और जो ये वाला पोर्शन है, ये नीचे का पोर्शन है, लाइक आपके नी के नीचे का, जिससे कि इसमें थोड़ा फिनिशिंग दी गई थी व्हाइट की। और फ्रंट पे ये दूसरा जीन्स है, कुछ इस तरीके से है, इसमें थोड़ा कटेड वाला जीन्स था ये। सो रफ एंड टफ वाला जीन्स था ये, तो मैंने इसको नहीं हटवाया है। मैं इसे यहाँ पे पैच टेस्ट या यूज कर सकती हूँ, या फिर इसी तरीके से मैं कहीं इधर भी कट लगा दूंगी हो जाएगा। पता नहीं चल रहा है कि ये रफ एंड टफ है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने रफ एंड टफ इसमें आ गया सिलवाते वक्त, स्टिच करवाते वक्त। इधर इन्होंने अलग सा पीस लगाया है और इधर भी अलग सा पीस लगाया, तो इसके अकॉर्डिंग बनाया इन्होंने। और इधर जो ये मटेरियल है, ये मेरे पास एक ओल्ड टॉप पड़ा था, व्हाइट कलर का ओल्ड टॉप था। काफी ज्यादा मुझे, जैसे मैंने काफी टाइम तक उसे ट्राई भी किया था, काफी टाइम तक यूज किया, बट कुछ टाइम बाद वो मुझे टाइट पड़ गया था टॉप। मैंने उस टॉप को हटा के यहाँ पे स्टिच करवा दिया। और जो ये काफी ज्यादा नेटेड का टॉप है, आप इसे पास से देख सकते हो, नेटेड है पूरा का पूरा ये। मैंने इस पे एज ए स्लीव्स लगवाया है इस टॉप का, एज ए बैक पे लगवाया है, और आप देखिए बैक पे मैंने कुछ इस तरीके से करवाया है ये। और नेटेड ट्रांसपेरेंट है इसको, मैंने जो स्लीव्स लगवाया, उसके बाद मैंने फ्रंट पे इसी के लूप्स लगवाए हैं। कुछ इस तरीके से इसी टॉप के लूप्स लगाए और इसी की पाइपन लगवाया है मैंने नीचे, ये देखिए कुछ इस तरीके से है। और फ्रंट पे मैंने सेम बटन भी इसके लगवाए हैं। अगर आप जब स्टिच करवाते हो अपना कोई भी ड्रेस, जो आप टेलर को बताओगे तो उनके पास होती रेडीमेड बटन्स वगैरह जो हो गई, आपको कपड़ा खुद ही लगा के वो बटन बना के अपने आप इसे कर देते हैं। मैंने इसको कुछ इस तरीके से यूज किया। अगर मैं मार्केट में कोई भी ऐसा जीन्स का जैकेट परचेज करती हूँ या फिर टॉप परचेज करती हूँ, तो मुझे वो 15 से 2000 के अंडर मिलेगा के अकॉर्डिंग आएगा, उससे कम तो नहीं आएगा। 1000 के नीचे तो कोई भी जीन्स का जैकेट आपको मिलेगा ही नहीं।
जो ये जैकेट है, ये जब मैंने स्टिच करवाया तो उन्होंने 400 बोला था, बट हम लोगों ने 320 रुपीज उन्हें पे किया है, यानी कि 320 रुपये में मैंने पुराने कपड़े को मिला के एक जैकेट बनाया है। और जो इसमें पीछे का कपड़ा लगाया है, ये आइडिया मेरे हस्बैंड का था और फ्रंट वाला आइडिया हमारा था। और इसमें जो लूप्स वगैरह हो गए, ये आइडिया जो टेलर अंकल हैं उनकी आइडिया के बना था, ये अकॉर्डिंग उनके, उन्होंने बोला कि इसमें अगर आप बटन लगवा सकते हो तो एज ए आप इसे टॉप भी यूज कर सकते हो, तो काफी अच्छा है ये। आप इस तरीके से अपना जीन्स यूज कर सकते हो, या फिर आपका जो जीन्स है, जो पुराना आपका जीन्स हो चुका है, आप उसे एज ए डेकोरेटिव बॉक्स यानी कि स्टोरेज बॉक्स आप बना रहे हो, उसमें एज ए लाइनिंग आप उसे यूज कर सकते हो, जिससे भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका जो ऑर्गेनाइजर होगा वो काफी ज्यादा हैवी हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप इस तरीके से भी उसे यूज कर सकते हो। तो आजकल ऑनलाइन काफी ज्यादा सिस्टम अवेलेबल है, यूट्यूब पे काफी सारी वीडियो अवेलेबल है, जिससे आप देख देख कर अपने पुराने जीन्स को यूज कर सकते हो। सो फ्रेंड, ये रही मेरी आज की वीडियो कि आप अपने पुराने जीन्स को कैसे यूज कर सकते हैं बगैर फेंके हुए, आपको फेंकना नहीं पड़ेगा, और काफी अच्छा एक नया लुक दे सकते हैं अपने जीन्स को, एक किसी भी अलग ड्रेस में आप कन्वर्ट करके उसे। सो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ में एक छोटी सी बेल बटन दी रहती है, आप उसे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हो आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।